हेलो स्टूडेंट्स यू आर मोस्ट वेलकम मध्य प्रदेश में एक और नई वैकेंसी आई है हमारे लिए एक और नई अपॉर्चुनिटी वैकेंसी है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक जिसका नोटिफिकेशन कुछ इस प्रकार से निकला है एडवर्टीजमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर एट पोस्ट एट पोस्ट आप क्लर्क ऑपरेटर्स एंड वन पोस्ट सोसाइटी मैनेजर इन थर्टी फाइव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में आठ पोस्ट क्लर्क ऑपरेटर्स की और एक पोस्ट सोसाइटी मैनेजर की 35 डिस्ट्रिक्ट में निकली है आप तैयारी में अच्छे तरीके से जुटे हम देख रहे हैं इसका सिलेबस क्या होगा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल दे दिया गया है ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन छब्बीस ग्यारह दो से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे लास्ट डेट ऑफ सबमिशन आप ऑनलाइन अप्लीकेशन पच्चीस बारह दो हज़ार बाईस ये डेट आप ध्यान रखें अमाउंट आप अप्लीकेशन फ़ी पाँच सौ रुपये ओ और जनरल कैंडिडेट को लगेंगे और एस और एस स्टूडेंट को दो सौ पचास रुपये इस फॉर्म का फीस देना होगा डेट ऑफ डाउनलोडिंग आप कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन अराउंड सेवन डेज़ बिफोर एग्जामिनेशन एग्ज़ाम कंडक्ट होने के लगभग एक वीक पहले इसका कॉल लेटर आपको डाउनलोड करना होगा डेट आप ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन की डेट अभी पता नहीं है बहुत जल्दी इसकी डेट भी आ जाएगी आप बस तैयारी में डटे रहिए हमें इसका एग्ज़ाम किसी भी हालत में निकालना है डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब इसका एग्ज़ाम दे दोगे उसके अराउंड टेन डेज के बाद ही इसका रिज़ल्ट डिकलेर हो जाएगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर जल्दी एग्ज़ाम हो रहा है और जल्दी से ज्वाइनिंग मिल जाएगी आप इस वीडियो को पोस्ट करके देख सकते हैं डिटेल आप कैटेगरी वाइज बैकलॉग वैकेंट पोस्ट ऑफ क्लर्क ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर आप ये देख लीजिए यहाँ पर आप सब सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम देख सकते हैं कहाँ पर कितनी पोस्ट बाकी है आप बस पढ़ाई पे ध्यान दें इस एग्ज़ाम को इस तरह की कई सारी वैकेंसी अभी आने वाली है जिन बच्चों की तैयारी बेस्ट है जो टेस्ट लगा रहे वो वो इस एग्ज़ाम को इस तरह की एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से सौ प्रतिशत न्यूछावर हो जाइए क्योंकि हमको इस साल किसी भी हालत में किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन चाहिए क्लर्क एंड कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा भर्ती में आप देखो यहाँ पर लिखा है ग्रेजुएशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विद नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग इज एजेंशियल या तो आपके पास हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट अभी जो सी पी सी टी एग्ज़ाम हो रहा है ये सर्टिफिकेट जिन बच्चों के पास है वो इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं या फिर इसमें कहा गया है वन ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द फॉलोइंग रिकोगनाइज यूनिवर्सिटी कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए डी सी ए पी जी डी सी ए वगैरह कुछ भी होना चाहिए एक साल का जो कि यू मतलब यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड होना चाहिए या फिर जिन बच्चों ने कोपा ब्रांच से आई की एग्ज़ाम मतलब आई का कोर्स कंप्लीट किया है वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं आगे बात करते हैं इसमें और क्या क्या क्वालिफिकेशन लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज इक्वेलेंट टू अबो यहाँ पर बी जिन बच्चों ने बी सी ए से आई टी ब्रांच से किया है वो इसका फॉर्म डाल सकते हैं जिन्होंने एम सी ए बी सी एम एस सी आई टी या सी एस ब्रांच से किया है वो फॉर्म डाल सकते हैं जिन बच्चों ने बी एस सी आई टी और सी एस से किया है या एम टेक या एम ई आई टी या सी एस से किया है वो इसका फॉर्म पूरी तरह से डाल सकते हैं अगले पॉइंट में कहा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्रूव्ड बाय एआईसीटीई जिन बच्चों ने डिप्लोमा कंप्लीट किया है वो भी इसका फॉर्म डाल सकते हैं अगले पॉइंट में ये कहा गया है बीएससी एंड बीकॉम विद कंप्यूटर एज अ वन सब्जेक्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इक्विवेलेंट टू द दबो क्वालिफिकेशन इसमें ये साफ साफ कह दिया है कि जिन बच्चों ने बी और बी कर रखा है जिसमें एक सब्जेक्ट कंप्यूटर है वो बच्चे सिर्फ इसी के बेस में इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल नहीं कर सकते यहाँ पर एक क्लियर नोट बोल दिया गया है कि वन ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट हैविंग डिग्री पीजी जी एज अंडर जिन बच्चों के पास कंप्यूटर डिप्लोमा है इस क्षेत्र में जो चल रहा है उसके लिए वैलिड नहीं रहेगा पूरी तरह से कंप्यूटर डिप्लोमा ही यहाँ पे अनिवार्य है जिनका कंप्लीट हो चुका है वो बच्चे इसका फॉर्म पूरी तरह से डाल सकते हैं अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि इसका सिलेबस क्या होना चाहिए और इसका क्या टाइमिंग है ये पूरा मेंशन है यहाँ पर इसको हम अच्छी तरीके से देख लेते हैं आप बस अपनी तैयारी को बेहतर रखो हमें इस तरह से कई सारी एग्ज़ाम को क्लियर करना है कई सारे एग्ज़ाम को पास करना है हमारे लिए बेस्ट यही होगा कि हम इसका सिलेबस अच्छे से ध्यान से पढ़ लें और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम की तैयारी करें यहाँ पर लिखा है द प्रोफाइल एंड पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट वाइज इज़ एज फॉलोज ऑनलाइन एग्जामिनेशन द स्ट्रक्चर ऑफ़ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन आर एज फॉलोज फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड सोसाइटी मैनेजर के लिए जो पोस्ट ओपनिंग की गई है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हमको इस सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा जिसमें सब्जेक्ट है रिजनिंग कंप्यूटर नॉलेज जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और न्यूमेरिकल एबिलिटी इन पांचों क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन का एक एक मार्क्स मतलब 40 क्वेश्चन के 40 मार्क्स और यहाँ पर टोटल 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर रहेगा यहाँ पर टाइम इस तरह से अलॉट कर दिया गया है ये टाइम सर्टन टाइम दिया गया है ये टाइमिंग पूरा होने पर ये ऑटोमेटिकली ये सब्जेक्ट वहाँ से क्वेश्चन को हटा दिए जाएंगे और अगले सब्जेक्ट के क्वेश्चन इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको सॉल्व करना पड़ेंगे आपको इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए 120 मिनट दिए जाएंगे अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से अटैम्प करते हैं इस चैनल पर कंप्यूटर के लगभग 6000 हज़ार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए गए हैं एम पी के लगभग 5000 से ज़्यादा वन लाइनर क्वेश्चन इस चैनल पर कंप्लीट कर चुके हैं जो बच्चे आई टी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली कोपा सब ब्रांच से तैयारी कर रहे हैं वो इस कंप्यूटर सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से इस चैनल पर कर सकते हैं आप प्ले लिस्ट में जाइए और सारे क्वेश्चन और एम सी क्यूज को विज़िट करें एग्ज़ाम को क्लियर करने का रामबाण तरीका यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एम सी क्यू सीरीज़ को सॉल्व करें उसके बाद वन लाइनर क्वेश्चन को भी पढ़ें जिससे हमें यह पता चलेगा कि हमारा कौन सा टॉपिक कमज़ोर है हम उसकी तैयारी करके उस टॉपिक को भी बेहतर बना सकते हैं यही वो मौका है जहाँ पर हमको अपनी पूरी एनर्जी को लगाना है और इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है ऐसी कई सारी एग्ज़ाम्स आने वाली है जैसे अगर आपने विधानसभा का फॉर्म डाला होगा तो जनवरी में वो एग्ज़ाम आपने आई का फॉर्म फिल किया है तो वो एग्ज़ाम सोलह दिसंबर को है अगर आपने पटवारी का नोटिफिकेशन देखा है तो वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाली है और आज ये नोटिफिकेशन आ चुका है कई सारी वैकेंसीज आ चुकी है बस आप अपनी तैयारी को बरकरार रखें अगर आपको ऐसा कोई भी डाउट है या फिर कोई भी टॉपिक है या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट करें मैं आपको उसकी सीरीज जल्दी ही प्रोवाइड कर दूँगा थैंक यू आप पढ़ते रहिए आप होंगे कामयाब